वसंत पंचमी को लेकर मूर्तिकार माँ सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विद्या की देवी माता सरस्वती की आराधना को लेकर मूर्ति बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। इधर बाजार में रेडीमेड मूर्तियों के आने से स्थानीय मूर्तिकारों को उचित मुनाफा नहीं होने के साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है, जिससे मूर्तिकारों में निराशा देखी जा रही है। मूर्तिकारों ने बताया कि पहले की अपेक्षा वर्तमान में मूर्तिकारों की स्थिति दयनीय है, हालांकि पुरानी परंपरा को आज भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लागत और मेहनत के अनुसार मुनाफा नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूर्ति निर्माण के बाद उसकी बिक्री नहीं हो पाती है। सबसे पहले आप शंकर शाह को सुनिए, जो की मूर्तिकार है। यहाँ जो है प्रतिमा बनाते हैं 1.5 महीना पहले से, और मिट्टी का प्रतिमा बनाते हैं, और जो कि खटनी तो बहुत पड़ता है ठंडी के मौसम में, लेकिन जो हिसाब से खटनी होता है उस हिसाब से मजदूरी नहीं पोसाता, इसलिए हमको धंधा है तो धंधा तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जिस हिसाब से धंधा हो। और यहाँ जो है कि 100 के लगभग हम लोग मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद जो है कि स्टाफ भी रखते हैं, प्रसाद को सारा मैनेज करना पड़ता है हम लोग को, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता है। अच्छा, अभी जो बाजार में मूर्ति मिल रही है वो क्या है, क्या चीज़ का मूर्ति है, और आप लोग क्या चीज़ का बनाते हैं? हम लोग जो है कि मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, और पेरिस का मूर्ति नहीं बनाते हैं। ऐसे पेरिस का भी मूर्ति मिलता है बाजार में, लेकिन हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। कितना सालों से बनाते आ रहे हैं? हम लोग 20 साल से बना रहे हैं, 20 साल से ही हम लोग का धंधा है, और धंधा चलते रहेगा। पर मूर्ति की बात की जाए तो कितना में आप लोग बेचते हैं इसको? पर मूर्ति जो है कि कभी कोई मूर्ति 2000 में बिका, कोई 1500 में बिका, कोई 5000 में बिक गया, इसका कोई लिमिट नहीं है। जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से पैसा देता है, क्या बताओ दिक्कत क्या होगा। हम लोग ठंडा के मौसम में थोड़ा दिक्कत पड़ता है, और क्या, हम लोग तो धंधा जो है तो करवे करेंगे, लेकिन थोड़ा है कि ठंडी के मौसम में थोड़ा दिक्कत होता है मिट्टी पानी खींचने में, और उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर शाह, कलाकार। इस बार 1000 से लेकर 10000 रुपए तक की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इस वर्ष ज्यादा मूर्ति की बिक्री होने की संभावना है, और कलाकार का कहना है कि यह काम तो अच्छा है, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते इसमें फायदा नहीं हो पा रहा है। प्रतिमाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की आसमान छूती कीमत ने कारीगरों को परेशान कर रखा है। तो वहीं आप दूसरे मूर्तिकार सुधीर कुमार को भी सुनिए। आते हैं, देखिए सर, एक महीना ज्यादा से स्टार्ट करते हैं शुरू में, और बहुत ही मेहनत ही लगता है इसको बनाने में, काहे कि अभी ठंडी का मौसम है, हम लोग को ज़्यादा ही कष्ट होता है। मिसाव अगर यदि रौदा होगा वगैरह भी नहीं हो पता है, इससे हम लोग को बहुत कष्ट होता है सब बनाने में। तो इस हिसाब से जो है ना, बहुत मेहनत भी लगता है इसे बनाने में। इतना मेहनत लगता है, उसके हिसाब से क्या आपको लग रहा है? देखिए, जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमको बचना चाहिए, लेकिन नहीं बच पाता है। क्या फर्क है? देखिए सर, ये तो हम लोग हाथ से कलाकारी करते हैं, वो लोग तो फर्मों से बना देते हैं, POP का होता है वो। ये हमारे यहाँ जो बनता है ये सब मिट्टी का आता है, सारा चीज हाथ का कलाकारी होता है। इस कारण हम लोग को मेहनत ज्यादा वर्कर करना पड़ता है, और इसलिए हम लोग जितना मेहनत करते हैं उससे, मतलब जितना वो मेहनत करते हैं उससे ज्यादा कम से कम नफा नहीं हो पाता। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं वही कि मतलब जितना हम लोग मेहनत करते हैं, पूंजी लगाते हैं, अगर उससे ज़्यादा बेनिफिट हो जाना चाहिए। कितना आप लोग प्रतिमा बनाते हैं यहाँ पे? करीब 65-60 के लगभग बनाते हैं, बनता ही है, और बगल में कलाकार है, और भेड़िया दसान भी हो जाता है। नाम है आपका? माय नेम इज सुधीर कुमार सिंह, कलाकार है। हाँ, मूर्तिकारों का कहना है कि कला की पूजा होती है, लेकिन कलाकार की नहीं। ग्राहकों की मांग को देखते हुए हर आकार की मूर्ति बनाई गई है। इस महंगाई के दौर में जहां हम लोग 100 मूर्तियां बनाते थे, इस बार 60 से कम ही बनाए हैं।
आपको बता दें कि कल बसंत पंचमी है, ऐसे में इस बार मूर्तियों की अग्रिम बुकिंग ज्यादा हुई है।